लोग घर जाओ, चाय मैंने बनाई। जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि प्रेम को घर से बाहर निकालने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, उस दिन अंजाम भुगतने के लिए तैयार है ना। अगर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं, तो पुलिस के सामने सच क्यों नहीं बोल रहे? मारा जाएगा, पूजा पाठ करेगा, वहां पे तू विधि बन के हाजिरी देना बस। पता नहीं क्यों जोशी, पर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरा ना मन ऐसे बेचैन हो रहा है। देख संतू, ये मन की मत सुने, दिमाग दिमाग से काम ले। अभी हमारा लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है, अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है। रोशन मल्लिका तेल लेने गए हैं, रोशन और मल्लिका उनके साथ जो खेल खेलना है हम खेल लेंगे। तू मुझे ये बता जोशी, विधि की मरी हुई माँ के साथ हम क्या खेल खेल रहे हैं? जो भी कर रहे हैं ना, वो विधि की भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ वो भी है। वैसे जोशी एक बात है, तू समझा था बहुत अच्छा है, ऐसे फटाक से बाटली में उतार देता है सबको। ऐसी है ना, छोटी छोटी बातों में है ना, ऐसे मन को दुखी नहीं करते हैं। अरे माँ की बर्थी तो हर साल आएगी, लेकिन दुश्मन के साथ बदला लेने का मौका बार बार नहीं आएगा। है ठीक है, चल मैं तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन फिर भी क्या फिर लेकिन तूने रगा रखा है, वो मेरी माँ, मेहरबानी करके ऐसा मेरा जीव मत खा। देख जोशी, बरसी है माँ की बरसी, कोई छोटी बात नहीं है। एक काम कर, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं वहाँ पे रहूंगा तो तू कोई गड़बड़ नहीं करेगी। हाँ वो सही है, देख तू रहना और कुछ गड़बड़ हो तो संभाल लेना। हे भगवान, ये तेरा मैं क्या करूँ है? अरे तू संतु है, संतु रंगीली, लोग तुझसे डरते हैं और तू मुझे कह रही है कि संभाल लेना। अरे कुछ नहीं होने वाला है, देख एक महाराज जाएगा वहां पे, मंत्र बोलेगा, हवन होगा, पूजा पाठ होगी और महाराज बोलेंगे हाथ जोड़ो और खड़े हो जाओ। खड़े हो जाने का और क्या है, चले चल। जी जोशी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं विधि के पास। जी विधि, जानती हो आज क्या है? आज तुम्हारी माँ की बरसी का दिन है। मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारी माँ के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन एक बात और, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तुम्हारी बरसी का दिन भी एक ही होगा। हम साथ जी नहीं पाए तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं ना। हे प्रभु, स्वर्गस्थ की आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। मुन्ना, ए सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही है? जोशी भाई, वो उसकी एग्जाम चालू ना, तो आज नहीं आ पाएगी। अच्छा पंडित जी, आप जैसा बोला था ना, छोटे बच्चे लोग को खाना खिलाने का इंतजाम भी कर दिया हम। पूजा के लिए स्वर्गस्थ के परिवार के लोगों पे आप लाइए। हाँ, विधि बेटा। जी मैं। हाँ ए विधि, ए पूजा तुम्हें करनी होगी ना विधि, जब विधि। अरे तीर वाली, पूजा तो तेरे को इच करने की है ना। हाँ बेटा, आ जाओ कम 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 कम, आ जाओ बैठो बैठो बेटा आराम से। Thank you.
बेटा, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। ये दीपक चला दो। ये लो। बेटा, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? अच्छे से जलाओ बेटा। विधि, ए दिया जलाओ ना विधि है, दिया जलाओ। ये क्या कर रही है? ठीक से जलाइए ना। विधि बेटा, तुम्हारा ध्यान किधर है? तकदीर वाली, दिया जला ना, पूजा के लिए देर हो रही है। विधि कर रही हूँ ना। दिया जलाओ बेटा, पूजा का समय खत्म हो रहा है। अगर सही समय पर पूजा नहीं हुआ तो अपशगुन होगा। तो मैं दिया नहीं जला पाऊंगी। नहीं जलाऊंगी मैं कोई दिया। प्रीति बेटा, आज तुम्हारा माँ का बरसी और तुम नहीं करनी मुझे कोई भर्ची भर्ची, नहीं करनी मुझे कोई पूजा। विधि, मैं तो इनकी तस्वीर को भी अब नहीं देख सकती। और क्या बोल रही है विधि? टकलू, आज तू कुछ मत बोलना। ये जिंदा लोगों को तो धोखा दे सकती हूँ मैं, मरे हुए इंसान को कैसे धोखा दूँ? ये कैसे बात कर रही तुम? क्या हो गया तेरे को तकदीर वाली? सिस्टर, सिस्टर ये क्या बोल रही है तू? अरे कितने दिनों से हम आज का तैयारी कर रहा था। आज तुम्हारा माँ का बरसी है और तुम मेरा दम घुट रहा है। यहाँ मैं बाहर जा रही हूँ। विधि, आप लोग वो विधि करनी है करिए, मुझे जाने दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? तकदीर वाली, तू कहाँ जा रही है? अरे तुम्हारी माँ का बरसी का विधि कौन करेगा? तुम उसका बेटी हो, कुछ रिचुअल तो तुमको करना पड़ेगा ना। नहीं हूँ मैं किसी की बेटी और ना ही मेरी माँ है। ए, तू क्या बोल रही है विधि? ये टकलू अभी बहुत हो गया, बोलने दे आज मुझे। इन सबको तो कब से धोखा दे रही हूँ। ये विधि की मरी हुई माँ को और कितना धोखा दूँ मैं? मैं विधि नहीं हूँ। तू कौन है? तू संतू, संतू रंगीली। विधि की आप शक्ल हूं।
पाया आंटी, मैं विधि नहीं हूं। विधि, 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 मंजू, तुमने सुना? विधि ने कुछ बोला? हाँ, माँ कहा शायद? हाँ, विधि, होश में आओ ना विधि, विधि, विधि बोल, विधि कुछ तो बोल, विधि आंखें खोलो ना, विधि जाग जा, विधि कुछ तो बोल, आंखें खोलो विधि। धोखा दिया तुम हमको, हम तुमको बेटी माना, तुम्हारा देखभाल किया, तुम्हारा हंसने के साथ हम हंसा, तुम्हारा रोने के साथ हम रोया, और तुम हमारे साथ इतना बड़ा नाटक किया क्यों? Why? I said speak up! Why? Speak up! ए लड़की, सच बता कौन है तू, वरना इस बस्ती से नहीं जिंदा नहीं जाने दूंगा मैं। गाय के लिए विधि बनकर हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अरे सिस्टर बोला अपन तेरे को, लेकिन तू तू अपन का सिस्टर नहीं हो सकती। सच सच बता कौन है तू, वरना आज तो तू गई। सच बता कौन है तू, क्यों हमारे साथ विधि बनकर जी रही? इस सब के पीछे किसका हाथ है? बता, बताती क्यों नहीं है? किसकी साजिश है ये? मेरी। इसके पीछे मेरी साजिश है। जोशी भाई, तुझे याद है हमारी विधि जब अस्पताल में थी, कोमा में थी, तब मैं अपने गांव गया था गुजरात, माता जी की चौखट पे गया था मैं माता टेकने के लिए कि विधि अच्छी हो जाए। बस मैं वहां से बाहर निकला, तभी तभी मैंने इस लड़की को देखा। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि विधि मेरे सामने खड़ी है। फिर मुझे पता चला कि ये लड़की विधि नहीं है, विधि की हम शक्ल संतु है, संतु रंगीली। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि कुछ भी करके मैं ये संतु को मुंबई ले आऊंगा, पर काय को? काय को? जो काम विधि नहीं कर पाई, उन कमीनों के साथ बदला लेने के लिए उसके विधि के सपने पूरे करने के लिए मैंने इसे विधि बनाया। विधि, और कहा मैंने इसे कि तू विधि बनने का नाटक करेगी ताकि उन कमीनों के साथ में यह बदला ले सके जो जख्म, जो जुल्म उन्होंने विधि पर किए थे, वही गांव संतु विधि बनकर उन लोग को दे, इसीलिए। और ये संतु, अरे संतु तो विधि को जानती भी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है इसका विधि के साथ। इसी की वजह से विधि की आज ये हालत है। ये भी तो शामिल था
सिस्टर की हत्या की साजिश में? इसको आज अपन जरा भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, संतू तो विधि को जानती भी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है इसका विधि के साथ। फिर भी इस लड़की ने मेरा साथ दिया सिर्फ इंसानियत के लिए। और ये संतू उन ताकतवर लोगों से जाके मिली। रोशन, नंदा, मल्लिका, महेश्वरी के सामने ये खड़ी रही, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हे मुन्ना, आज भी हमारी विधि बेजान सी पड़ी है। आज भी वो कोमा में है मुन्ना, कोमा में है हमारी विधि। जानना चाहते हो कहाँ है वो? देखना चाहते कहाँ है वो? आओ मेरे साथ संतू, चल। जाओ। विधि जो आज भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तकदीर वाली, तकदीर वाली सिस्टर, उनकी भी थी। आज भी उसकी उसकी यही हालत है। उस दिन के बाद में विधि को कभी भी होश नहीं आया। संतू विधि की हमशक्ल है, इसीलिए मैंने इसे विधि बनाया। तुम सबसे झूठ बोला, तुम सबको धोखा दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं उसकी हत्या की साजिश का बदला ले सकूं। अरे भगवान ना करे, अगर कल विधि को कुछ हो जाता है तो उसका बदला अधूरा रह जाएगा। मैं चाहता था कि संतू विधि बनकर उसके हर एक जख्मों का बदला ले, जो जख्म रोशन, नंदा और मल्लिका महेश्वरी ने उसे दिए थे। उसकी हत्या की साजिश की थी उन लोगों ने। देखी हत्या की साजिश? अभी क्या कहा आपने जोशी जी? ये यहाँ पे क्या कर रहे लाए? आज अपना विधि जिस भी हाल में ना, उसके लिए यही जिम्मेदार है। आज तो ये गया, आज अपन इसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं मुन्ना, नहीं। जोशी भाई, आज अपन के बीच में कोई नहीं आएगा। आज अपन इसको नहीं छोड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं करेगा तू। जिस की वजह से विधि की आज ये हालत है, ये भी तो शामिल था सिस्टर की हत्या की साजिश में। इसको आज अपन सलाह भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, एक बार मैंने तुझे मना किया ना मुन्ना। नहीं, अरे विधि की
हत्या के साजिश के बारे में ये कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। अरे ये लड़का तो ये भी नहीं जानता कि उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो महज एक हादसा नहीं था, बल्कि पल्लिका महेश्वरी, रोशन नंदा और रोमियो की साजिश थी ये। अरे जान से मार देना चाहते थे वो विधि को, हत्या करना चाहते थे विधि की वो लोग। झूठ बोल रहे हैं आप, आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं क्यों इसे बचाऊंगा, बल्कि प्रेम हमारे विधि को बचा रहा है। तुझे पता है ये विधि की सेवा करता है क्योंकि वो अच्छी हो जाए, दिन रात उसके पास बैठा रहता है, ना खाता है ना पीता है। अरे यहां तक कि इसने अपना घर छोड़ दिया, अपने पैसे छोड़ दिए और इसने अपना कैरियर भी दांव पे लगा दिया सिर्फ और सिर्फ विधि के लिए। ये जो प्रेम है ना, ये विधि की सांसें बचाना चाहता है, ये चाहता है कि विधि होश में आ जाए। ये गुनेगा नहीं हूं ना, गुनेगा नहीं है। मैं जानता हूं कि प्रेम ने विधि के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज विधि की जान में जान आई है, ये किया है प्रेम ने। सुना तुम लोग ने, ये अभी विधि ने कुछ बोला, ये बोला विधि ने अभी कुछ है। हाँ जोशी, विधि ने सुबह भी कुछ बोला था लेकिन उसको होश नहीं आया, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ ना सिर्फ प्रेम के प्यार की वजह से हुआ है। सुना तूने है, ये किया है प्रेम ने विधि के लिए। हाल विधि की जान में जान आई है, ये किया है प्रेम ने। अगर तुम लोगों की बात झूठी निकली ना तो ये प्रेम रोशन नंदा तुम सबका वो हाल करेगा, और अगर हमारी बात सच हुई तो? अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो कसम है मुझे अपनी माँ की, अगर मेरे डैड गुनहगार हैं तो मैं खुद उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा।